क्रिकेट के शौकीनों के लिए एक शानदार खबर, अब खिलाड़ियों को स्पिन और तेज गेंदबाजी की प्रैक्टिस के लिए किसी गेंदबाज की जरूरत नहीं होगी। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक अनोखी बॉलिंग मशीन तैयार की है जो क्रिकेट की दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। यह बॉलिंग मशीन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंक सकती है और सबसे खास बात यह है कि यह मशीन स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों कर सकती है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और यहां तक कि गुगली। इस मशीन से सब कुछ मुमकिन है। इस मशीन में बॉल की गति, घुमाव और कोण को नियंत्रित करने की विशिष्ट प्रणाली है। इसका सॉफ्टवेयर बॉल फीडर को कोच की तरह ही काम करने में सक्षम बनाता है। ईसीबी के छात्र हरि सिंह तंबर और उनकी टीम ने इस बॉलिंग मशीन को बनाया है। फरीदाबाद की स्पोर्ट्स एमी कंपनी के लिए यह बॉलिंग मशीन करीब 5 महीनों में तैयार की गई है। एक बॉलर लगातार बॉलिंग नहीं कर सकता और न ही लगातार स्पिन दे सकता है, लेकिन यह बॉलिंग मशीन तेज स्पीड और लगातार स्पिन दोनों कर सकती है। बैट्समैन को प्रैक्टिस के लिए 100 से 200 बॉल्स की जरूरत होती है और यह मशीन यह काम आसानी से कर सकती है। बॉलिंग मशीन का जो मेन जो पर्पस होता है कि एक अगर कोई बैट्समैन है उसको प्रैक्टिस करनी है तो मान लो स्पिन गलत खिला तो बार बार उसको स्पिन खिलाई जाती है कोच में, तो फिर अगर बार बार स्पिन फेंके तो एक बॉलर होगा कब तक बॉल फेंकेगा, वो भी थक जाएगा बार बार। लेकिन बैट्समैन को तो कम से कम 100-150 बॉल पर प्रैक्टिस करनी होती है, तो फिर जो मशीन है ये बिना थके लगातार वो सेम तरह की बॉल फेंक सकती है और उसमें वेरिएशन स्पीड में अलग अलग वेरिएशन अलग स्पिन में वेरिएशन भी ला सकते हैं। और इसका सबसे अच्छी खास बात ये है कि अगर मान लो कि जो नेट प्रैक्टिस होती है वो एक साथ काफ़ी सारे लोग करते हैं तो फिर वो हम 4 मशीन एक साथ लगे पर कोच तो एक ही होता है। कोच का क्या है कि वो ऐप हमने इसके साथ एक ऐप डेवलप किया है जो कि इसके साथ जुड़े ऐप इससे कनेक्ट हो जाए और ब्लूटूथ से इस अलग अलग प्लेयर को अलग अलग मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको कौन सी बॉल फेंकनी, प्लेयर वन को कौन सी, प्लेयर टू को कौन सी। तो फिर इसमें हम अलग अलग वेरिएशन बॉल कर सकते हैं कि इसमें अगर स्ट्रेट बॉल है, पेस बॉल है तो पेस बॉल को 50 किलोमीटर से अप टू 130 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इस मशीन में 400 वाट की दो मोटरें लगी हैं जो इसे बिजली से चलाती हैं। मशीन में लगे टायर 2000 बॉल्स तक चलते हैं और फिर बदलने की जरूरत होती है। इस बॉलिंग मशीन की लागत करीब 40,000 रुपए आई है। स्वचालित बॉलिंग रोबोटिक सिस्टम को 3 हिस्सों में तैयार किया गया है, पहला बॉलिंग मोटर ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा बॉल फीडर सिस्टम और तीसरा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। यह सिस्टम कोच को बॉलिंग सिस्टम पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है। कितने लॉन्ग टाइम, 1 साल 2 साल मतलब क्या रहता है इसका? इसका बैटरी सिस्टम भी रहती होगी? सिस्टम तो नहीं है, इसमें मेन से पावर सप्लाई और मेन जो इसकी जो लाइफ होती है उसके टायर से होती है। अच्छा, इसमें जितनी बॉल जाएगी तो टायर के हिस्से रहते हैं इसमें। क्या क्या चीजों का उपयोग किया गया इस मशीन बनाने में? मशीन में यूज किया 400 वाट की दो मोटर है, 12 वोल्ट 400 वाट की मोटर से जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी और इसके अंदर बॉल आएगी और बॉल इसमें से आगे लॉन्च करेगा बॉल, दोनों ऑपोजिट में घूमेगी। टायर्स में इसका जो अभी अपने लाइफ का पूछा, लाइफ में टायर्स की लाइफ रहती है कम से कम 1000-2000 बॉलों की रहती है, उसके बाद टायर को चेंज करना पड़ता है, ये भी गिर जाते हैं। क्या कॉस्ट रही है पूरे मशीन बनाने की? पूरे जो मशीन की जो कॉस्ट जो है वो लगभग 40,000 पड़ती है। जो सर्किट है वो अपना 2000-3000 के अंदर बन जाए। इस मशीन का माइक्रो कंट्रोलर फेंकी गई प्रत्येक बॉल की रफ्तार माप सकता है। बॉल फीडर सिस्टम डीसी मोटर आधारित है जो बॉल की उपलब्धता और कोच की मंशा के अनुसार समय पर बॉलिंग मशीन से करवाता है। मशीन का मेन पर्पस तो यही था कि अलग अलग जगह होती है वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस करनी होती है तो अलग अलग तरह की बॉल्स खेल सके या फिर एक ही तरह की बॉल खेलनी है तो फिर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आदमी उसके ना लगे, एक सीधा मशीन से और आराम से बैट्समैन प्रैक्टिस कर सकते। छात्रों ने इंडस्ट्री ग्रेड के उत्पाद को न सिर्फ अपने आइडिया के साथ डिजाइन किया बल्कि इसके प्रोटोटाइप को मूर्त रूप देकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में AI आधारित इंस्ट्रूमेंटेशन की संभावनाओं को प्रबल किया है। ये एक्चुअली में एक फरीदाबाद में कंपनी है स्पोर्ट्स एमी नाम से, ये उनके लिए बनाई गई थी। हमने कितने समय में बनाई है? आपने कितना समय लगा बनाने में? इसको बनाने में 6 महीने लगा था और बनाने में मतलब बेसिक प्रोटोटाइप 1 महीने बन गया था। फिर जो इनका जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटोटाइप नहीं प्रोडक्ट की थी तो उसमें करते करते हमको 5 महीने लग गए। न केवल क्रिकेट बल्कि इस सिस्टम को अपग्रेड करके टेनिस जैसे अन्य खेलों में भी उपयोग किया जा सकता है। बीकानेर के इन होनहार छात्रों ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अद्भुत तोहफा दिया है। लोकल 18 के लिए बीकानेर से निखिल स्वामी की रिपोर्ट।